وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हुरा इशलाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बच्चा कारी साहब के पास कुरान हिफ्ज करने के लिए आता है। जब कारी साहब बच्चे से पूछते हैं कि आपको पहले कोई सूरह आती है, तो बच्चा कहता है जी हाँ कुछ कुछ आती है। कारी साहब बच्चे से सुनना शुरू करते हैं, सबसे पहले उनसे एक सूरह कौसर सुनने की फरमाइश करते हैं, तो बच्चा सूरह कौसर बिल्कुल ठीक ठीक सुना देता है। उसके बाद वो उससे बड़ी सूरतें सुनता है, उसके बाद उससे बड़ी सुनता है, उसके बाद इस तरह सुनाते सुनाते बच्चा 30वां पारा पूरा का पूरा सुना देता है। तो कारी साहब बड़े हैरान होते हैं कि ये 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, इसने पूरा कुरान बिल्कुल ठीक ठीक सुना दिया है। तो कारी साहब बच्चे से पूछते हैं, क्या आपने पहले कहीं पढ़ा है, किसी कारी साहब से कुरान हिफ्ज़ किया है? तो बच्चा जवाब देता है, नहीं, मैंने पहले कहीं भी कुरान हिफ्ज करने के लिए नहीं गया। तो कारी साहब सोचते हैं कि यकीनन इनके वालिद साहब बहुत मजहबी और बहुत ही दीनदार होंगे, जिसकी वजह से ये बच्चा जो कि कुरान से इतना दिल लगा रखता है और उसको कुरान बिल्कुल ठीक ठीक आता है। उसके बाद कारी साहब कहते हैं कि आपने कल अपने वालिद साहब को बुलाना है, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। कारी साहब सोचते हैं कि इनके वालिद बहुत मजहबी दीनदार हो गए, उनको देखने का बहुत इश्तियाक होता है उनको। जब उनके वालिद साहब आते हैं तो देखने में उनकी दाढ़ी नहीं होती, वो मालूम नहीं होते कि वो दीनदार हैं। तो कारी साहब हैरान होते हैं कि ये तो इतने दीनदार नहीं लग रहे, तो फिर ये बच्चा इतना कैसे कुरान से लगाओ, इसका ये कैसे मतलब इतनी सी उम्र में उसको कुरान आता है। जब उनके वालिद आते हैं, कारी साहब उससे पूछते हैं कि आपके बच्चे को सारा कुरान ही पहले से आता है तकरीबन, तो इसकी क्या वजह, आपने इसको किधर से पढ़ाया? तो वालिद साहब कहते हैं कि इसमें मेरा किरदार ही इसकी माँ का किरदार है। बच्चे जब छोटे होते थे तो ये दोनों भाइयों में, भाई बहनों में इनकी माँ इनका मुकाबला कुछ यूं करवाती थी कि जो बच्चा सबसे पहले ये सूरह सुनाएगा याद करके, उसको ये इनाम मिलेगा। तो इसमें कोई गेम का मुकाबला नहीं होता था, कोई किसी किस्म का मुकाबला नहीं होता था, बल्कि सूरह याद करने का, कुरान को याद करके सुनाने का मुकाबला होता था। इसी मुकाबले में बच्चों ने ये सारा का सारा कुरान जो है वो सीख लिया और हिफ्ज़ कर लिया। तब मैंने ये सोचा कि बेशक तरबियत और बच्चों के बिनाव संगार में माओ ही का अहम किरदार होता है। नाज़रीन, हमने इंटरनेशनल लाहौर में जो वाक़या पेश आया, उसमें अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में जो वाक़या पेश आया, जिसमें एक बच्ची को 3 बहनें, जो 2 बहनें और एक और बच्ची, उनको मार रही हैं और उसकी वीडियो वायरल हुई, बहुत वायरल, उस पर हमने वीडियो बनाई, उस पर एतराज़ उठाया। स्कूलों और कॉलेजों में जो जो मामलात ख़राब, जो माहौल ख़राब हुआ हुआ है, जो वहाँ पे गलत तरबियत चल रही है, जो वहाँ पर फाशी और दूसरे जो है नशा अद्वियात के जो रुझान पड़ रहा है, उस पे हमने बात की, एतराज़ उठाया। जहाँ पे हम बुरे कामों पे एतराज़ उठाते हैं, वहाँ पे मैंने सोचा कि किसी स्कूल या जो भी स्कूल या कॉलेज अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनके काम को सराहा भी जाए। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सर्ट करवाए जाते हैं, और ये सारी मामलात और सारी बातें यकीनन हमारे माशरे को, हमारे बच्चों को
बजाय सुधारने के बिगाड़ेंगे। तो इस पर मैं एजुकेटर्स गुगेरा, ग्रीन स्कूल सिस्टम गुगेरा को ये यकीनन खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कल मैं उनके प्रोग्राम में शामिल हुआ, उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम का इनकार किया जो यकीनन हमारे बच्चों के जो हैं वो अच्छी तरबियत के लिए बहुत ही मौसर साबित होगा। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के जो कारी हजरात हैं उनको बुलाकर जो है वो एक प्रोग्राम इनकार किया, किरत का प्रोग्राम इनकार किया, जिसमें बच्चों के दिल के अंदर यकीनन मेरे दावे से यकीन बल्कि पूरे इलाके के दिल में कुरान का शौक पैदा हुआ। अगर हम यूं ही ऐसे ही प्रोग्राम करवाएंगे तो यकीनन हमारे बच्चों के दिलों में कुरान और दीन रचेगा और बसेगा, उनमें कुरान पढ़ने का शौक पैदा होगा, कुरान सुनने का शौक पैदा होगा। अगर हम कॉन्सर्ट करवाएंगे, अगर हम कोई नाच गाने करवाएंगे, अगर हम किसी गुलुकारा को बुलाकर उससे डांस करवाएंगे तो हमारे बच्चों के अंदर यकीनन उसी का शौक पैदा होगा। कल बंगला गुगेरा में ग्रीन स्कूल सिस्टम एजुकेटर स्कूल सिस्टम की तरफ से बहुत ही बेहतरीन और हाई लेवल के इंटरनेशनल लेवल के कारी हजरात को बुलाकर ये प्रोग्राम बुलाया गया, जिसमें इलाका के अक्सरियत लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में और बहुत ही लंबी चौड़ी तादाद में शिरकत की और उन्होंने सुना और बहुत ही इसको सराहा। तो ऐसे ही मेरी गुजारिश है, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यह है कि तमाम स्कूलों में, तमाम कॉलेजेस में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि ये हमारे माशरे के सिंगार में ये मुयस्सर साबित हो, वरना अगर हम कंसर्ट करवाएंगे वो हमारे माशरे की बिगाड़ का बायस बनेगा। बस सलाम।